Good afternoon. Today I am going to teach you how to make different kinds of tree with watercolors. ठीक है, उसके लिए आपकी जो requirement है that is the sheet. आपके पास कोई भी plain white sheet हो, watercolors, water container, rough cloth और आपको ये round brushes चाहिए. ठीक है, सबसे पहले आपको आपने शीट, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ज़्यादा सामान इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो आप शीट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको स्पेस मिल सके ज़्यादा. ठीक है, अब मैं आपको पहले सिंपल वे सिखाती हूँ ट्री बनाने का. आपने एक लाइन लगा लेनी है लाइट. ड्राइंग शुड बी वेरी लाइट जब आप वाटर कलर्स करते हो. कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, ड्राइंग शुड बी वेरी लाइट. ठीक है, उसके बाद आपने हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है जिसके आपको मार्जिन होगा कि जिससे ड्राइंग बहुत लाइट होनी चाहिए. जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ थोड़ी सी आपके लिए ही विजिबल हो. जैसे हम क्रिसमस ट्री बनाते हैं वैसे ही आपने हल्की हल्की सी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लो जैसे कि आप बिगनर हो. ठीक है, देन नाउ वी स्टार्ट कलर्स. आपने वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है वाटर कलर्स में, और कोशिश कीजिएगा कि कैमलिन के ये वाले कलर ना लेके आर्टिस्ट रेंज के कैमलिन के कलर लीजिए. मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे तो मैं आपको इसी से दिखा रही हूँ. इस तरह से आपने पानी को लेना है और जो कलर आपने यूज़ करना है वो स्टार्ट करना है. वाटर कलर की जो मीडिया होता है वो लाइट टू डार्क चलता है. सबसे पहले आपने लाइट टोन लेनी है, देन मिडल टोन, देन डार्क एंड डार्क. एंड कीप इन योर माइंड कि इसमें ब्लैक कलर का यूज़ डायरेक्टली नहीं होता, वाइट कलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, अब सबसे पहले मैंने लाइट टोन लेनी है. अब मैं ग्रीन कलर को अगर पानी में मिक्स कर रही हूँ तो वो लाइट ग्रीन बन जाएगा. देन मिडल टोन, लाइट एंड शेड का ध्यान रखना कि लाइट किस तरफ से आ रही है, डार्कनेस किस तरफ आपको देनी है. अब पहले आपने लाइट कलर थिन कलर लिया था वाटर ज़्यादा, अब सेकंड में थोड़ा थिक कलर लेंगे. अपने आप फ्लो करेगा वो. ट्री ऊपर से पतला होता नीचे की तरफ से हैवी होता जाएगा. अब इसमें आपने और डार्क टोन ऐड करनी है तो ग्रीन के साथ हल्का सा आपने ब्लैक कलर ऐड करना है. ज्यादा नहीं, डायरेक्टली ब्लैक तो बिल्कुल ही नहीं लेना क्योंकि वो आपसे संभलेगा नहीं कलर. इसकी टोन को हल्का सा डार्क करना है. हम डार्क इस तरफ से दे रहे हैं, लेफ्ट साइड से, और ट्री हमेशा नीचे से हैवी होते हैं तो हमने नीचे डार्क टोन ज़्यादा रखने हैं. थोड़ी सी डार्क टोन नीचे की तरफ. अब हमने इसकी ब्रांच बनानी है तो डायरेक्टली ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना. हम ब्रंट अंबर यूज़ कर रहे हैं, डार्क ब्राउन वाला. अब इसको भी थोड़ा सा ब्लैक के साथ एक तरफ से सिर्फ स्ट्रोक्स लगाने हैं. अपने आप फ्लोट करेगा कलर. आपने जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए इस वेदर में, क्योंकि फैंस चलते हैं, हल्का सा ड्राई हो जाए तब हमने इसको डार्केस्ट टोन देनी शुरू करनी है लाइक दिस. जस्ट आपने सिर्फ स्ट्रोक्स लगाने हैं, कोई इसमें मिक्सिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी फाइनल टचेस के लिए. यू कैन मेक सम ब्रांचेस लाइक दिस. हियर दिस इज आवर ट्री.
विथ लाइट एंड शेड. छोटी अगर लीफ भी बनाते हो तो उसमें भी आपने लाइट एंड शेड का ध्यान रखना है कि 3 टोन्स तो होनी ही चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू मेक ब्रांच. ब्रांच बनाने के लिए भी आपने सबसे पहले लाइट टोन लेनी है. एक स्टैम्प भी बना रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले लाइट टोन. Then middle. एक रफ क्लॉथ जरूर रखें, एक रफ क्लॉथ जरूर रखें साथ में एक्सेस वाटर साफ करने के लिए. और फिर ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके डार्कर स्टोन बना लीजिए जब तक ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए. और आप उसके लिए राउंड ब्रश ही यूज करो छोटे वाला, तो उससे स्ट्रोक्स अच्छे आएंगे. अभी आपके लिए ज्यादा ब्लैक नहीं कर रही हूँ, कहीं कहीं पे लगा रही हूँ ताकि वो अपने आप इमर्ज होगा. और पेशेंस से कीजिए, वाटर कलर के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है. कलर की रिचनेस रहने दीजिए इसको, ज्यादा मिक्स मत करो, अपने आप वो अपने फॉर्म में आएगा. अब हम इसी ब्रांच को ट्री में कन्वर्ट करते हैं. ये ड्राई ट्री आपका बेस बन गया. अब हम इसको अगर ट्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मैं आपको मिनिएचर्स में सिखा रही हूँ क्योंकि स्पेस कम से कम हमारी यूज हो. उसके लिए सबसे पहले मैं कैडियम येलो लाइट टोन ले रही हूँ कि कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसकी लाइट टोन ही आपने यूज करनी है. सबसे पहले पानी ज्यादा लेके लाइट टोन बना लीजिए उसकी. यूज मैक्सिमम वाटर. फर्स्ट टोन के लिए आपने मैक्सिमम वाटर यूज करना है. हल्के हल्के से आपने ट्री के लिए स्ट्रोक्स लगाने शुरू करने हैं. लाइट इस तरफ से आ रही है तो ये पोर्शन हमने लाइट रखना है, बीच में मिडल और इस तरफ हमने डार्क. अब इसकी डार्क टोन मैं ले रही हूँ ऑरेंज. ऑरेंज कलर को येलो में मिक्स करके इसकी मिडल टोन बना रही हूँ. ये हमारी मिडल टोन बन गई. ट्री हमेशा नीचे से हैवी होते हैं, नीचे से डार्क होते हैं क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ लाइट बहुत कम जाता है. अब ऑरेंज में हल्का सा रेड टोन लेके उसको और डार्क कर रही हूं ताकि हमारी थर्ड टोन फैमिली कलर में से ही निकल आए. अब इस चीज को इसके साथ बैलेंस करने के लिए मैं इस शेड में जो हमने टोन बनाई थी उसी के बीच में हल्का सा ब्राउन कलर ऐड कर रही हूँ रेड के साथ. फोर्थ टोन है ये हमारी. पहले हमने लाइट टोन, देन मिडल, देन डार्क, देन उससे डार्क ब्राउन. रेड वो भी कुछ मैं डायरेक्ट नहीं ले रही हूँ कि वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा. रेड के अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि वो सिमिलर सा ही हो, उसी की ही टोन आए. सी, जस्ट आपने टच करना है, वो फ्लो अपने आप करेगा क्योंकि नीचे से वेट है. शीट को रब करना शुरू कर दोगे तो शीट का टेक्सचर निकलना शुरू हो जाता है. दैट्स इनफ. ये हमारी तीनों टोन इसमें आ रही हैं. अब मैं लास्ट में क्या करूंगी, इस टोन के बीच में ही हल्का सा ब्लैक कलर, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर, डायरेक्ट ब्लैक नहीं ले रही हूं, ध्यान से देखिए, उसी को डार्क कस करके स्टैम्प्स को और हाईलाइट कर रही हूं और थोड़ा सा नीचे ताकि वो सब कुछ बैलेंस हो जाए.
चलो अभी हमारे ट्रीज रेडी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको वाटर कलर्स में डिफरेंट ट्रीज बनाने सिखाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक लैंडस्केप के बारे में बताऊंगी कि वाटर कलर्स के बीच में कैसे लैंडस्केप बनाई जाती है, कि लैंडस्केप में पर्सपेक्टिव को कलर्स के थ्रू कैसे शो किया जाता है। सो गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।